आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स विजन के बारे में। स्पोर्ट्स विजन क्या क्या होते हैं, स्पोर्ट्स विजन क्या होता है और ऑप्टिमिस्ट का क्या रोल है स्पोर्ट्स विजन में, और स्पोर्ट्स विजन की क्या इम्पोर्टेंस है, और स्पोर्ट्स आई इंजरी क्या क्या होती है, और उस इन स्पोर्ट्स इंजरी से हम कैसे बचाएंगे आँखों को या स्पोर्ट्स पर्सन को, उनके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे स्पोर्ट्स विजन। स्पोर्ट्स विजन क्या होता है? जो स्पोर्ट्स विजन टेस्ट या ट्रेनिंग जो होती है, ये क्या होते हैं, ये एथलीट को हेल्प करते हैं कि उसके आंखें कैसे अच्छा परफॉर्म करेंगे, कैसे अच्छा परफॉर्म करेंगे। जो स्पोर्ट्स विजन टेस्ट ट्रेनिंग है, ये एक किस्म का ट्रेनिंग है, मान लो कि जो एथलीट को हेल्प करते हैं उसके आंखें कैसे अच्छा परफॉर्म करेंगे। जो एक स्पोर्ट्स विजन में जो है, वो विजन बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है स्पोर्ट्स विजन में, क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका विजन ठीक होना चाहिए, क्योंकि तब भी तो वो अच्छे से टारगेट को देख पाएगा। तभी तो, क्योंकि जो विजन है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ज़्यादातर ज़रूरी है, क्योंकि उसका विजन बहुत ज़रूरी, अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, इसकी क्या हिस्ट्री है कि कब जो पहला स्पोर्ट्स स्पेक्टिकल जो बनाया गया, वो बनाया गया है ग्रीनलैंड में, कि उन्होंने इस्किमोज, इस्किमोज का उनको बोलते हैं, जो ग्रीनलैंड के रहने वाले हैं उनको बोलते हैं इस्किमोज, जो इग्लो में रहते हैं, कि बर्फ़ के वो मकान होते हैं, उनको इग्लो उसी को बोलते हैं। क्या उन्होंने बनाया आँखें की उन्होंने बनाया स्पेक्टिकल किसके लिए, हंटिंग के लिए, शिकार करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे वो शिकार करते हैं, क्योंकि जब बर्फ़ होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको फिर आँखों में दिक्कत होती है शिकार करने में, कि फिर उन्होंने उस स्पेक्टिकल बनाया कि उन्होंने इस्किमोज ने पहला स्पोर्ट्स स्पेक्टिकल कि उन्होंने बनाया इस्किमोज किसके लिए, हंटिंग के लिए। और जब फिर धीरे धीरे 19th सेंचुरी में सिकलर लेंस भी यूज़ किया स्पोर्ट्स पर्सन ने, 19th सेंचुरी में सिकलर लेंस भी यूज़ करना शुरू किया। जो ऑप्टोमेट्स है वो 1979 से स्पोर्ट्स विजन से जुड़ा है, 1979 से। आप देखेंगे कि ऑप्टोमेट्स का रोल क्या है स्पोर्ट्स विजन है। सपोर्ट ऑप्टोमेट्स का रोल बहुत ज़्यादा है एक स्पोर्ट्स विजन में, क्योंकि एथलीट को ट्रेनिंग देना, अगर उसको कोई एरर हो उसको ठीक करना, अगर कोई उसको गाइड करना कि उसको अपने आँखें किस चीज़, कौन से स्पेक्टिकल या कौन सा सनग्लास उसको सनग्लास प्रिस्क्राइब करना कि आपके लिए किस स्पोर्ट में कौन सा सनग्लास ठीक रहेगा, क्योंकि ये एक ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि उसमें अगर किसी को विजुअल इनसेप्शनसी है, मिसाल किसी को कन्वर्जेंसी इनसेप्शनसी, वो आँखों को इन्वर्ट नहीं कर सकता, वो ऑप्टोमेट्रिस्ट से देखता हूँ। उसमें क्या है, उसका पहले करेक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स, करेक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स में फॉर एग्जांपल अगर किसी को एस्टमेटिज्म है, हाइपरमेट्रोपिया है, मायोपिया है, उसको वो ठीक करता है, उसको वो प्रिस्क्राइब ठीक करता है अच्छे खासा करेक्ट नंबर दे के। आई प्रोटेक्शन, आई को बचाने का तरीका बता दें, उसके लिए विजुअल एड्स देता है, किसी मिसाल सन ग्लासेस देते हैं कि आप अपनी आँखें को कैसे बचाओगे। विजुअल ट्रेनिंग देंगे कि आप कैसे विजुअलाइज करोगे कि टारगेट कहाँ से आ रहा है, कि आप कैसे जज कर पाओगे कि टारगेट क्लियरली कैसे देखो, उसके लिए आप ट्रेनिंग करोगे कि अगर आपको साइड में आप आंखें कैसे जल्दी जल्दी रोटेट करोगे, कैसे आप एक टारगेट से दूसरे टारगेट पर जल्दी फोकस कर पाओगे, उसका ट्रेनिंग देते हैं। और मैनेजमेंट ऑफ फंक्शनल विजुअल, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है विजन की के रिलेटेड, कोई भी अगर किसी को कॉन्टैक्ट लेंस सर्विस, कॉन्टैक्ट लेंस पहन के उसको आंखें रोटेट करने में प्रॉब्लम होगी, गेज शिफ्ट करने में प्रॉब्लम होगा, उसको अगर किसी को इमरजेंसी है विजुअल एक्यूटी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, वो ऑप्टोमेट्रिस्ट सॉल्व करता है। और ऑप्थल्मिक आईवियर सर्विस, ऑप्थल्मिक आईवियर सर्विस को मैंने पहले ही बोला बोला कि वो उसको प्रेस्क्राइब करता है कि किस सपोर्ट में कौन सा टेंट शेड ग्लासेस पहनने हैं आपको। मिसाल फॉर एग्जांपल अगर कोई ड्राइविंग कर रहे हैं, मिसाल कोई रेस होती है मोटरसाइकिल रेस, उसमें येलो पहनना पड़ता है, क्योंकि येलो उसके लिए है। अगर किसी को अगर कोई बाहर जाए या कोई, उसके लिए भी ग्रीन ग्रीन है, अगर आउटडोर आउटडोर आउटडोर
आउटडोर सपोर्ट्स हो, उसमें ग्रीन ने ब्लैक है उसको देते हैं। और ट्रेनिंग से अगर किसी को विजुअल एबिलिटीज, फिर क्या कहें, असाइनमेंट ऑफ स्पोर्ट्स विजुअल रिलेटेड विजुअल एबिलिटीज, जो उसको असाइनमेंट का जो उसकी विजुअल एबिलिटीज है वो उसको चेक करते हैं कि इसकी विजुअल एबिलिटी ठीक, अगर नहीं है उसको फिर ट्रेनिंग के ज़रिए वो बड़ा अच्छा खासा विजुअल एबिलिटी बढ़ाता है। और प्रिवेंशन मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, अगर किसी स्पोर्ट्स इंजरी कोई हो उसको वो ठीक कर देता है, और उसका बचने का तरीका भी बताता है, स्पोर्ट्स इंजरी से बचने का तरीका भी बताता है। और आप देख करेंगे बाद हम इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स विजन, स्पोर्ट्स विजन की इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें जो स्पोर्ट्स विजन है उसको इसकी क्या ज़रूरत है, क्या इम्पोर्टेंस है एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, क्या स्पोर्ट्स विजन की क्या ज़रूरत, क्या इम्पोर्टेंस है एक स्पोर्ट्स पर्सन में। डायनेमिक विजुअल एक्यूटी, पेरिफेरल विजुअल, डेप्थ परसेप्शन, आई ट्रैकिंग, आई हैंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, विजुअलाइजेशन, विजुअल कंसंट्रेशन। पहले हम बात करेंगे डायनेमिक विजुअल एक्यूटी पे। डायनेमिक विजुअल एक्यूटी क्या होता है? डायनेमिक मीन्स मोशन, ये आप हमेशा, स्टैटिक मीन्स रेस्ट, डायनेमिक मीन्स मोशन। जो मोशन में अगर कोई टारगेट हो उसको क्लियरली देखना, उसको बोलते हैं डायनेमिक विजुअल एक्यूटी। क्योंकि जो हम असल में टेस्ट करते हैं, चल स्नेल चार्ट यूज़ करते हैं, लॉगमा चार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं स्टैटिक विजुअल, क्योंकि वो एक जगह बैठ के हम टेस्ट करें। क्योंकि जो डायनेमिक है वो हम कैसे, एक मिसाल कोई बाल का मिसाल, जो भी स्पोर्ट्स विजन ट्रेनिंग देते हैं उसमें एक बाल लटका होता है ऊपर से किसी रो छत से, फिर वो उधर से इधर एक जगह पॉइंट से दूसरी जगह जाता है, फिर उस पर जज करना है कि ये कि वो मोशन पे कि ये क्लियर दिखना चाहिए उसको, वो बाल कहाँ से कहाँ आ रहे हैं। वैसे अगर डायनेमिक विजुअल एक्यूटी का मतलब ये है कि क्लियरली ऑब्जेक्ट को देखना, क्लियरली ऑब्जेक्ट को देखना, जब ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट मोशन में हो या आप मोशन में हो, या जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो या आप मोशन में, तब ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना, उसी को बोलते हैं डायनेमिक। अगर कोई देखो, अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेल, जैसे फुटबॉल खेल रहे हो, टेनिस खेल रहे हो, हॉकी खेल रहे हो, जब देखो अगर फुटबॉल खेल रहे हो आप, अगर आपको फुटबॉल, अगर फुटबॉल में बाल भी मोशन में रहते हैं और एक प्लेयर भी मोशन में ही रहता है, क्योंकि अगर आप मोशन में हो, आप क्लियरली टारगेट को मतलब बाल को अच्छे से क्लियरली देखोगे, उसको बोलते हैं डायनेमिक। या मिसाल बाल मोशन में हो या आप उसको क्लियरली देख रहे हो, तो उसको बोलते हैं डायनेमिक विजुअल एक्यूटी, विजुअल एक्यूटी। इसको अगर किसी को अच्छा खासा डायनेमिक विजुअल एक्यूटी नहीं हो, उसको उसका बहुत डिफिकल्ट टाइम है स्पोर्ट्स में रहने का। क्योंकि अगर किसी को डायनेमिक विजुअल एक्यूटी ठीक नहीं होगा, उसका डिफिकल्टी टाइम है, बहुत मुश्किल टाइम होगा स्पोर्ट्स में। अब पेरिफेरल विजन, जो पेरिफेरल विजन है वो बहुत ज़रूरी होता है, ज़रूरी है पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स में, बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स में। पहले मैं बात करूँ पेरिफेरल विजन किसको बोलते हैं। पेरिविजन जो विजन दो है, सेंट्रल विजन और पेरिफेरल विजन। सेंट्रल विजन का मतलब क्या है कि जो हम मैक्यूला से देखते हैं, ज़्यादातर हम मैक्यूला यूज़ करते हैं, सेंट्रल विजन यूज़ करते हैं देखने के लिए। जो पेरिफेरल विजन भी करते हैं, जो मैं मिसाल अगर हम स्ट्रेट देखेंगे वो हो गया सेंट्रल विजन, क्योंकि वो डायरेक्ट लाइट आएगी, या अगर किसी ऑब्जेक्ट वो डायरेक्ट आएगा मैक्यूला पे। अगर हम साइड में देखा वो, कि उसमें पेरिफेरल रेटिना यूज़ हो जाएगा, उसको बोलते हैं पेरिफेरल विजन। क्योंकि स्पोर्ट्स में ये बहुत ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है देखो, अगर आप बास्केटबॉल खेल रहे हो, क्योंकि अगर आपका आपको किसी अपोनेंट प्लेयर के पास बॉल है, देखो यहाँ पे एक अपोनेंट प्लेयर के पास बॉल है, ये आपको, ये आप हो, ये आपको पता नहीं ये मेरे पास भेजेगा या इसके पास, ये आपको उसकी तरफ ही नज़र रखना है, इसकी तरफ, क्योंकि ये तब रखोगे जब आपका पेरिफेरल विजन ठीक होगा, तभी तो आप रख पाओगे साइड है। जो पेरिफेरल विजन इज सिट्रस्टेड इन ब्लैक बॉल बिकॉज अवेयरनेस ऑफ मोशन टू साइड पे, वही मैंने बोला कि मोशन में देखना, कि जो साइड में देखना, उस दोनों साइड से देखना, कि तभी तो जब आपका पेरिफेरल, तभी तो आप साइड से अच्छे साइड में अच्छे से देखो। जो एथलीट को मोर गेम रिएक्ट करता है बहुत अच्छे गेम इवेंट को, बहुत अच्छे गेम इवेंट को। अब हम डेप्थ परसेप्शन की बात करें, डेप्थ परसेप्शन का क्या है, व्हाट इज डेप्थ परसेप्शन, पहले मैं बात करूँ जो डेप्थ परसेप्शन है। जो डेप्थ परसेप्शन है
एक क्लियरली 3D ऑब्जेक्ट या इमेज को देखना और एक्यूरेटली जज करना कि ये ऑब्जेक्ट मेरे से कितना दूर है, उसको बोलते हैं डेप्थ परसेप्शन। डेप्थ परसेप्शन को दूसरा नाम बोलते हैं स्टीरियोप्सिस। स्टीरियोप्सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टीरियोप्सिस, क्योंकि जब आप क्लियरली किसी 3D ऑब्जेक्ट को देखोगे या इमेज को देखोगे, उस इमेज या 3D इमेज और उस 3D इमेज को क्लियरली देखोगे और ये भी जांच कर पाओगे ये ऑब्जेक्ट ये चीज़ कितना दूर है मेरे से, उसको बोलते हैं डेप्थ परसेप्शन है। और इन और रैकेट स्पोर्ट्स डेप्थ परसेप्शन एनेबल्स यू टू क्विकली एंड एक्यूरेट जज द डिस्टेंस बिटवीन, कितना डिस्टेंस है मेरे और बाल के बीच में या आपकी टीममेट के प्लेयर के और मेरे आपके बीच में कितना डिस्टेंस है, अपोनेंट प्लेयर और आप में कितना डिस्टेंस है, ये आप जज कर पाओगे। अगर आप ये एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो, मिसाल आप खेल रहे हो मगर ये नहीं कर पा रहे आप एस्टिमेट और क्लियरली नहीं देख रहे हैं, कि देख तो रहे हो मगर एस्टिमेट नहीं कर पा रहे कि ये कितनी दूर है मेरे से बाल, एक ओपोनेंट प्लेयर मेरे से कितना दूर है, उसका यही रीज़न है कि आपका पोअर डेप्थ परसेप्शन वेरी पोअर है। अब है आई ट्रैकिंग। आई ट्रैकिंग का क्या है? जो आई ट्रैकिंग है एक आई ऑब्जेक्ट पे देखते ही रहना, देखते ही रहना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट विद एनी स्पोर्ट दैट इन्वॉल्व द फास्ट मूविंग बॉल। देखो अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो मगर कोई फास्ट मूविंग बॉल जैसे बेसबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, उसमें आई ट्रैकिंग की जरूरत। देखो अगर कैच ऊपर गया, किसी ने साल ऊपर बॉल भेजी, अगर क्रिकेट खेल रहे हो बाद फिर आप कैच पकड़ने के, आप बॉल पे देखोगे क्योंकि उस पर आप नज़र ही रखोगे, नज़र फोकस करते रहोगे जब तक वो आपके हाथ में, जब तक वो आप ना पकड़ोगे, क्योंकि उसको बोलते हैं आई ट्रैकिंग। क्योंकि जब आपका आई ट्रैकिंग ठीक हो तब भी तो आप उस बॉल को देखते ही रहो, फोकस कर रहो। अगर आपका फोकस उधर इधर हट गया फिर आप वो कैच नहीं पकड़ पाओगे, उसको बोलते हैं आई ट्रैकिंग। अब है आई हैंड बॉडी कोऑर्डिनेशन। आई हैंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, आपके हाथ और बॉडी में कैसा कंट्रेस्ट, आपके हाथ को आँख के साथ कैसा कोऑर्डिनेशन है और आप या आपकी बॉडी और आपके हाथ को कैसा कैसे आई और आपके हाथ और आई में कैसा कोऑर्डिनेशन या आपकी बॉडी और हाथ आँख में कैसा कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपको और आई हैंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, क्योंकि उसकी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो ये जो आई हैंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, हाउ योर हैंड्स फीट एंड बॉडी एंड अदर मसल्स रेस्पॉन्ड टू गैदर देयर आइज। देखो आपके मसल्स या आपकी बॉडी को का कोई पार्ट या हैंड्स आपका कैसा रेस्पॉन्स देता है जब आपकी आंखें कोई इमेज कैच कर रहा है, कि फिर उसके उस टाइम कैसा आपके हाथ या को पैर कैसा रिएक्शन दे रेस्पॉन्स देता है। देखो आपने मिसाल आप क्रिकेट खेल रहे हो या कोई भी गेम है, नहीं बोल मैं आप बोल रहे बार बार ये क्रिकेट की बात कर रहे, टेनिस की टेबल टेनिस की बात करूं, बॉल आया वहाँ से उसने मारा फिर वो बॉल आया, फिर आप जब यहाँ से मारना शुरू करोगे आप बॉल पे देखोगे, फिर आपके हैंड का रिएक्शन देखना कि आपका हैंड कैसा रेस्पॉन्स देगा, ये ठीक से रेस्पॉन्स देता है नहीं, उसको हम बोलते हैं आई हैंड बॉडी। या आपका फीट कैसे, उसको बोलते हैं आई हो आई बॉडी कोऑर्डिनेशन। ये बहुत ज़रूरी है बहुत मोस्ट मोस्ट स्पोर्ट्स में, ज़्यादा स्पोर्ट्स में अगर ये मगर ये इफेक्ट कर रहा है बोथ टाइमिंग, बिकॉज इट इफेक्ट बोथ टाइमिंग एंड बॉडी कंट्रोल, ये इफेक्ट करता है बॉडी टाइमिंग, बोथ टाइमिंग भी और बॉडी कंट्रोल भी। विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन का मतलब है कॉन्फिडेंस, ये मैं आपको इससे बोल दूँ कॉन्फिडेंस। इंसान को हमेशा दिलासा होना चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए कि हम ना नहीं, अगर आपको किसी टीम के साथ मैच है कि ये आपको उम्मीद होनी चाहिए कि नहीं हमें जीतेंगे, ये हम जीतेंगे, मैं ये कर पाऊंगा, वो है विजुअलाइजेशन कॉन्फिडेंस। स्पोर्ट्स विजन ट्रेनिंग इन्वॉल्व द एंटायर एंटायर बॉडी, स्पोर्ट्स विजन में सारा बॉडी आता है, बॉडी की ट्रेनिंग आती है, जो स्पेशली विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन कौन पे विच इज़ एन एलिमेंट ऑफ साइकोलॉजी, ये एक एलिमेंट ऑफ साइकोलॉजी। देखो ये आपको इसके पहले भी सुना होगा, अगर हम किसी को बोलते हैं कि आप एग्ज़ाम दो, हमेशा हिम्मत हिम्मत रखनी चाहिए आप कर पाओगे, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंट, दिलासा देना चाहिए, उसके हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए, ये एक साइकोलॉजिकल है। जब हम वो
हम मिसाल उसको शाबा किसी को बोलते हैं हाँ आप कर पाओगे कि उसको लग रहा है कि मैं ये कर पाऊँगा, उसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या होता है, ये सपोर्ट्स मैन या वुमेन हो, सपोर्ट्स पर्सन मेल हो या फीमेल हो, जो जिसको मैक्सिमम पोटेंशियल हो कि अपनी कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करने का, जिसको बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का। अगर जो आपकी भी मैं अपने आप को व्हेन यू कैन मेंटली सी योर सेल्फ एकम्पलिश ए टास्क, भी अगर आपकी कोई टास्क आपको मिल गया, मगर जब आप मेंटली अपने आप को देखोगे किसी और टास्क में मेंटली अपने अंदर से, उससे क्या होता है आपका सक्सेस रेट, मिसाल मेंटली जब आप ठीक हो गए अपने आप में अंदर से, आप सोच रहे होंगे कि हम जीतेंगे हम कर पाएंगे, उससे क्या होता है आपका सक्सेस रेट बढ़ जाता है। अब है विजुअल कंसंट्रेशन। विजुअल कंसंट्रेशन क्या मतलब है, विजुअल कंसंट्रेशन होता है कि ये एक एबिलिटी होता है कि किसी ऑब्जेक्टिव पे फोकस ही करते रहना, उसको बोलते हैं, या टारगेट पे फोकस ही करते रहना, उसको बोलते हैं विजुअल कंसंट्रेशन। विजुअल कंसंट्रेशन इज एबिलिटी टू स्क्रीन आउट दिस डिस्ट्रैक्शन, सब बाकी सब छोड़ के एंड सिटी फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट, बाकी सब छोड़ के ऑब्जेक्ट या टारगेट पे फोकस ही करते रहना, उसको बोलते हैं विजुअल कंसंट्रेशन। अब है रिक्वायरमेंट फॉर सपोर्ट। सपोर्ट्स में बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी होना चाहिए, एक सपोर्ट पर्सन बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी होना चाहिए। जनरल ऑकुलर हेल्थ, विजुअल एक्यूटी, स्टैटिक विजुअल एक्यूटी या डायनेमिक विजुअल एक्यूटी, दोनों होने चाहिए, ठीक। कंट्रास्ट सेंसिटिविटी, स्ट्रोप्स, एकोमोडेशन भी अच्छे से होना चाहिए, आई मूवमेंट भी ठीक होना चाहिए, विजुअल मोटर रेस्पॉन्स भी ठीक होना चाहिए, आई हैंड आई लेग कोऑर्डिनेशन भी ठीक होना चाहिए, सेंट्रल पेरिफेरल अवेयरनेस भी ठीक होना चाहिए, और विजुअलाइजेशन, तभी तो वो अच्छा स्पोर्ट्स। पहले हम करेंगे बात जनरल ऑकुलर हेल्थ। जो जनरल ऑकुलर हेल्थ है, हम पहले उसका जब हम उसको जनरल ऑकुलर हेल्थ चेकअप करने के लिए लाएंगे, उसको पहले हम एंटीरियर पोस्टर सेगमेंट देखेंगे स्लेटम से कि इसका ठीक है, फिर उसके बाद हम ओप मैक्यूला या ऑप्टिक डिस्क और थैल्मोस्कोप से चेक करेंगे। और विजुअल एक्यूटी स्टैटिक, स्टैटिक में मैंने पहले बोला, जो हम ब्रेस्ट में जो हम करते हैं पेशेंटों को, उसको बोले स्टैटिक विजुअल एक्यूटी। क्या है, उससे हम विजुअल एक्यूटी चेक करेंगे, इसका विजुअल कैसे, किस चार्ट से, मिसाल सिनेलियो चार्ट यूज़ करते हैं, लॉन्ग मार्क चार्ज करते हैं, वो यूज़ करते हैं विजुअल एक्यूटी चेक करने से, विजुअल एक्यूटी चेक करेंगे। और विजुअल एक्यूटी डायनेमिक, वो था रेस्ट में स्टैटिक, ये डायनेमिक मोशन में, और उसको ये भी चेक करेंगे कि इसको इसके आईज कैसे प्रोसेस करते हैं इन्फॉर्मेशन जब बाल मोशन में हो। जो डायनेमिक विजुअल एक्यूटी है, इसका मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो, उस टाइम मेरे आंखें क्लियरली देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। अगर कोई बेसबॉल खेल रहा है, अगर उसको बच्चा हिट मारना है, उसको पहले क्या है, बॉल क्लियरली अच्छे से देखना है, उसको बोलते हैं विजुअल डायनेमिक विजुअल एक्यूटी। अब मैंने पहले ये, क्योंकि ये पहले वहाँ पे था, इसलिए मैंने पहले ये। अब है कंट्रास्ट सेंसिटिविटी। कंट्रास्ट सेंसिटिविटी का मतलब है कि कंट्रास्ट सेंड करना, अगर किसी को मिसाल देखो आपने देखा होगा पीएल रॉबर्टसन चार्ट, उसमें क्या होता है ऊपर वाली लाइन में ज़्यादा लाइट होती है, नीचे नीचे धीरे धीरे कम होता है, क्योंकि उसको कंट्रास्ट है, क्योंकि अगर उसको ज़्यादा कंट्रास्ट में देखते हैं, फिर अगर इसको थोड़ा बहुत कम करेंगे कि ये देख पाएगा, ये पढ़ पाएगा अच्छे से कि नहीं, अगर नहीं कर पाए इसका फिर देखेंगे कि इसका कंट्रास्ट सेंसिटिव बहुत कम है। कंट्रास्ट सेंसिटिविटी क्या होता है, इसको हम मेजर करते हैं विजुअल परफॉर्मेंस, इसको विजुअल परफॉर्मेंस कैसे देते हैं, जब इफेक्ट बहुत कम होगा, जब लाइट डिम होगी, जब को कंट्रास्ट बहुत कम हो, उस टाइम इसका विजन विजुअल परफॉर्मेंस कैसे रहता है। अगर किसी को एस्टिमेट रेजिडुअल एस्टिमेट है, वो किसी एथलीट में वो थोड़ा बहुत छोटा सा शो करता है, थोड़ा सा इफेक्टिव शो करता है, किसमें, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी में। जो कंट्रास्ट सेंसिटिविटी है, वे पुट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एथलीट में कंट्रास्ट सेंसिटिविटी ये जरूरी है कि वो लो कंट्रास्ट के सिचुएशन में डिफिकल्टी एथलीट ऑब्जेक्ट को डिस्क्रिमिनेट कर पाए, अलग ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्रिमिनेट कर पाएगा कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है,
क्या एथलीट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एथलीट के लिए बहुत ज़रूरी ये है कि उसको लो कंट्रास्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। लो कंट्रास्ट सिचुएशन में एथलीट को ये कंट्रास्टी सेंस बहुत अच्छा होना है, क्योंकि वो लो कंट्रास्ट सिचुएशन के टाइम पे एथलीट ये करना चाहिए कि उसकी जो डिफिकल्टी होगी, कि डिफिकल्टी अगर बहुत डिफिकल्टी डिस्क्रिमिनेट ऑब्जेक्ट वो अच्छे से कर पाना चाहिए। जो कंट्रास्ट सेंसिटिविटी है वो दो चार से ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और पी एल रॉबर्टसन चार्ट ये मेनली ज़्यादा यही यूज़ है, यानी क्रॉनबिच लो कंट्रास्ट ग्रेटिंग्स, ये दो चार्ट हम यूज़ करते हैं कंट्रास्ट सेंसिटिविटी मेजर करने के लिए। अब है स्टीरियोप्सिस। स्टीरियोप्सिस का मतलब है डेप्थ परसेप्शन, ये सेम वही है। स्टीरियोप्सिस का मतलब क्या है, मैंने बोला कि 3D इमेज ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना और एक्यूरेटली जज करना है कि ये मेरे से कितना दूर है, ये ऑब्जेक्ट मेरे से कितना दूर है, उसी को बोलते हैं स्टीरियोप्सिस है डेप्थ परसेप्शन। स्टीरियोप्सिस परफॉर्मेंस सपोर्ट विच रिक्वायर रैपिड एंड एक्यूरेसी, मैंने पहले बोला जो जो स्टीरियोप्सिस परफॉर्मेंस है स्पोर्ट्स में वो क्या करते हैं, वो किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको एक्यूरेसी दिलाता है और रैपिड जल्दी एक्यूरेसी दिलाता है और जल्दी आप क्लियरली देख पाते हो। दे ऑब्जर्व अमंग अदर दैट द मेन डिस्टेंस काउंटर स्टीरियो एक्टिविटी ऑफ आर्चर वाज वर्जन। अगर कोई आर्चर स्पोर्ट्समैन है, आर्चर जिसमें वो तीर जैसा लगाते हैं, आर्चर अगर कोई आर्चर स्पोर्ट्समैन है उसको बहुत कम होता है वर्स होता है एज कम कौन सा स्टीरियोप्सिस एज कम्पेयर टू सिकोर सॉफ्ट बॉल स्पोर्ट्समैन से। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन का मतलब है कि फोकसिंग चेंज करना है फ्रॉम नियर टू डिस्टेंस, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, फ्रॉम नियर टू डिस्टेंस एंड डिस्टेंस फ्रॉम नियर, ये एकोमोडेशन का मतलब। एकोमोडेशन क्या होता है, रफ स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ फ्लेक्स एंड एक्यूरेसी ऑफ द आई फोकसिंग सिस्टम। जो एकोमोडेशन स्किल है ये बहुत ज़रूरी होता है, ज़रूरी है स्किल है एथलीट के लिए। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट को फोकस अच्छे से कर पाना, जब क्योंकि अच्छे से फोकस कर पाना एंड क्विक और जल्दी से चेंज करना फोकस को गेम के दौरान जल्दी फोकस करना क्लियरली फोकस करना और फोकस जल्दी गेम के दौरान चेंज करना। देखो अगर कोई बॉलर बॉल डालता है बैट्समैन को, पहले वो दूर से आ रहा है डिस्टेंस से, फिर वो जब आगे आगे आ जाएगी तो क्योंकि जो आँख है वो थोड़ा धीरे धीरे एकोमोडेशन जल्दी एकोमोडेशन चेंज करें, क्योंकि बाल आगे आगे आ रहे हैं नियर आ रहा है, इसलिए वो एकोमोडेशन, क्योंकि जब एकोमोडेशन ठीक नहीं हो तभी तब वो आप ठीक से बाल अच्छे से नहीं दिख पाए, क्योंकि एकोमोडेशन चेंज नहीं कर पाए। अगर आप डिस्टेंस पे देखो, क्योंकि फिर एकोमोडेशन चेंज नहीं हुआ, आप नियर जब वो नियर आएगी बाल वो फिर आपके नज़दीक वो बाल आपको नहीं दिखेगी। और क्या करें, पेरिफेरल विजन को इम्प्रूव करता है और एथलीट को बड़ा सा फील्ड देता है एकोमोडेशन। आई मूवमेंट्स, आई मूवमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं कि आई मूवमेंट देखो साइड में देखने के लिए, आई मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, साइड में देखना, ऊपर देखना, नीचे देखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट माने रखता है। जो आई मूवमेंट्स में क्या क्या होता है, सकेड्स, सकेड्स का मतलब है देखो सकेड्स ये एक जर्की मूवमेंट है, जर्की मूवमेंट देखो ये जर्की मूवमेंट है जो एक फिक्सेशन पॉइंट से दूसरे फिक्सेशन से शिफ्ट, मगर एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। मिसाल आपको जल्दी मूव करना, जल्दी जर्की या एकदम से साइमेंटेनियसली एकदम से आपको मूव करना एक पॉइंट से दूसरे एक फिक्सेशन पॉइंट से दूसरे फिक्सेशन को बोलते हैं सकेड्स, इसको बोलते हैं सकेड्स। क्या है, जो ऐसा जर्की मूवमेंट है एक्यूरेट स्पेशल इंडिकेटर एक्यूरेट रिएक्शन टाइम एसेंशियल फॉर विजन ट्रैकिंग, जो है ये एक्यूरेट रिएक्शन टाइम देता है, जो एक्यूरेट रिएक्शन टाइम्स होता है वो बहुत ज़रूरी होता है विजन ट्रैकिंग करने के लिए और लोगों, क्योंकि ये विजन ट्रैक करने में या मिसाल किसी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने में बहुत ज़रूरी होता है कि आपको जल्दी जल्दी क्विकली एक जगह से दूसरी जगह फोकस करने का है, एक जगह से मूव करने एक पॉइंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव जल्दी करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक्यूरेट रैपिड आई हैंड कोऑर्डिनेशन, एक्यूरेट रैपिड ये अच्छा सा एक्यूरेट आई हैंड रैपिड जो ये बहुत अच्छा और करेक्ट और जल्दी आई हैंड कोऑर्डिनेशन देता है, जो एसेंस बहुत ज़रूरी होता है ऑप्टिमल सपोर्ट्स विजन के लिए।
परस्यूट, परस्यूट दूसरा आता है जो स्लोली सैकेड्स, ये दो टाइप के हैं देखो, सैकेड्स परस्यूट्स, पर सैकेड्स में जर्की और परस्यूट में स्लोली, मगर सैकेड एक ही डायरेक्शन में, जो परस्यूट है ये ट्रैवल करते हैं, मिसाल ये फिक्सेशन ये आपको मूव करता है एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट, मगर इन डिफरेंट डायरेक्शन, वो भी जर्की सैकेड्स में जर्की मूवमेंट है, जर्की मूवमेंट ऑफ आइज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन सेम डायरेक्शन, इसमें इन डिफरेंट डायरेक्शन, कि इसमें पर्सन मगर स्लोली मूव करता है, तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, मिसाल क्लॉक वाइज जाएगा या एंटी क्लॉक जाएगा। और कंजुगेट, जो कंजुगेट मूवमेंट, पहले मैं बोलूँगा कंजुगेट मूवमेंट किसको बोलते हैं, जब आंखें मूव करेंगे, तो जब आंखें मूव करेंगे इन सेम इन सेम डायरेक्शन, जब आंखें मूव करेंगे सेम डायरेक्शन के लिए उसको बोलते हैं कंजुगेट मूवमेंट। जो कंजुगेट मूवमेंट होते हैं परस्यूट में वो लेस देन 45 डिग्री पर सेकंड होता है। अब है वर्जेंसी, वर्जेंसी का मतलब क्या है, जो वर्जेंसी है, वर्जेंसी जो है, वर्जेंसी ये असल में एक बड़ा सा टॉपिक है, इस पे अच्छे से लेक्चर दूंगा मैं आके। जो वर्जेंसी है कि आँखों को जो आँख मूव होना एक अपोजिट डायरेक्शन में, और ऑब्टेन करना एक ऑब्टेन करना बाइनोकुलर, ऑब्टेन करना बाइनोकुलर विजन जो हासिल करते हैं, मिसाल टू मेंटेन ए बाइनोकुलर विजन, आँखों को मूव करना है अपोजिट डायरेक्शन, और जो आँखों जिसमें आँखों को जो वर्जेंसी में का मतलब है आँखों को मूव करना अपोजिट डायरेक्शन में, और जो मेंटेन रखता है बाइनोकुलर विजन थ्रू द प्रेजेंट बार फ्यूजनल। फिर पहले मैं बोलूँ फ्यूजनल वर्जेंसी क्या, फ्यूजनल वर्जेंसी का मतलब है कि दोनों आंखें मूव करें, सॉरी, जो दोनों आंखें को एबिलिटी है कि तो मोनोक्ली इमेज ऑब्टेन करना, फिर जो दोनों इमेज फ्यूज हो जाते हैं उसको बोलते हैं, बनाते हैं बाइनोकुलर विजन, उसी को बोलते हैं फ्यूजनल वर्जेंसी, क्योंकि दोनों इमेज जुड़ फ्यूज फ्यूज दोनों इमेज आंखों के इमेज को लास्ट में फ्यूजन हो जाएगा, फिर एक ही इमेज सिंगल इमेज उसको बोलते हैं बाइनोकुलर विजन। उसको उसमें क्या करेंगे, टेस्ट वर्जेंसी कैसे चेक करेंगे, वर्जेंसी भी चेक करने की ये एक मिसाल बाइनोकुलर विजन मेंटेन करता है कि नहीं, टेस्ट यूजिंग बेस कैसे करेंगे, बेस इन या बेस आउट प्रिज्म से, बेस इन और बेस आउट प्रिज्म से, कैसे बेस आपकी आंखों को एकोमोडेशन थोड़े ज़्यादा बढ़ाएंगे कि फिर उसमें देखेंगे कि ये मेंटेन कर पा रहा है कि बाइनोकुलर विजन या नहीं कर पा रहा है। वेस्टुलो ऑकुलर मूवमेंट, वेस्टुबुलो ऑकुलर मूवमेंट, वेस्टुबुलो के मूवमेंट मतलब हेड एंड आई मूवमेंट, हेड एंड आई मूवमेंट का मतलब है, अगर मिसाल अगर आप लेफ्ट साइड से हेड रोटेट करोगे कि आँख राइट साइड से ऊपर जाएगा, अगर आप राइट साइड से लेफ्ट आँख लेफ्ट साइड से ऊपर जाएगा, इसका मतलब है स्टेबलाइज विजन बाय जनरेटिंग आई मूवमेंट, कि मिसाल मुंह को आई को ये जनरेट करता है स्टेबलाइज विजन को स्टेबलाइज रखने के लिए, आई मूवमेंट जो आई मूवमेंट को जनरेट करता है फॉर हेड रोटेशन से आई मूवमेंट को जनरेट करता है, मगर विजन को स्टेबलाइज रखता है, वेस्टिबुलर ऑकुलर मूवमेंट भी जरूरी होता है। आई हेड कोऑर्डिनेशन, आई हेड कोऑर्डिनेशन जो होता है ये बहुत ज़रूरी होता है सपोर्ट विजन में, ये बहुत अहम रोल रखता है सपोर्ट विजन, एंड आई हेड बहुत ये ट्रेनिंग होता है कि इन्फॉर्मेशन ऑफ टेबल टेनिस, इन परफॉर्मेंस ऑफ टेबल टेनिस, ये बहुत ज़रूरी है, जो उस आई हेड कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है स्पोर्ट्स पर्सन में, जो आई हेड कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग होती है इन परफॉर्मेंस ऑफ टेबल, जो आई हेड कोऑर्डिनेशन की ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि वो अच्छे से परफॉर्मेंस दिखाएगी टेनिस, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस खाली टेबल टेनिस नहीं है, या मिसाल कोई बैडमिंटन भी खेलता है, क्योंकि उस पर क्योंकि उसमें क्या देखते हैं, टेबल टेनिस में बॉल पे आप नज़र रखते हो, बैट फिर जब आप बॉल पे अच्छे से नज़र रखते हो फिर आप हाथ पे नहीं देते, फिर आप बॉल पे नहीं देते, फिर आप हाथ से हाथ चलाते हैं, हाँ बैट मारते हो, क्योंकि तब क्योंकि आपको पता है, क्योंकि इसी को बोलते हैं आई हेड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि जब आपका आंखें बाल को जनरेट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन दे इन्फॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं, फिर आपके आंखें कैसे हाथ कैसा रेस्पॉन्स देते हैं उसको बोलते हैं आई हेड कोऑर्डिनेशन। सक्सेसफुल प्लेयर्स इन इंटरसेप्ट डिपेंड अपॉन द एक्शन विजुअल पर्सन अबाउट द अप्रोचिंग ऑब्जेक्ट, जो सक्सेसफुल प्लेयर्स परफॉर्मेंस जो दिखाते हैं उसको उसकी विजुअल परफॉर्मेंस में डिपेंड करते हैं,
जो X1 है स्टैटिक फिक्सर, ये एक मशीन एक मेथड है मशीन पे है जिससे हम चेक करते हैं आई हेड कोऑर्डिनेशन कैसा है इसका, आई बॉडी कोऑर्डिनेशन किस आपके हाथ बॉडी कैसे रेस्पॉन्स देते हैं, आप जब आपकी आँख इंफॉर्मेशन जनरेट करता है या गैदर्ड करता है, इंफॉर्मेशन जमा करता है, कि फिर उसके बाद आपके हाथ पैर बॉडी कैसे रेस्पॉन्स देता है, उसको बोलते हैं आई बॉडी कोऑर्डिनेशन। जो स्पोर्ट्स विजन ट्रेनिंग है ये एक जो स्पोर्ट्स विजन ट्रेनिंग है इसका काम यही है कि विजुअल एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करना, विजुअल एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करना एथलीट में, ये बहुत ज़रूरी होता है स्पोर्ट्स में, जो बहुत ज़रूरी होता है स्पोर्ट्स में, क्योंकि स्पोर्ट्स विजन का काम ये है कि विजुअल एबिलिटीज एथलीट में बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है, उसको बोलते हैं स्पोर्ट्स विजन ट्रेनिंग, जो वो स्पोर्ट्स में ज़रूरी होता है। दीज विजुअल स्किल्स इनक्लूड आई हैंड को और आई बॉडी कोऑर्डिनेशन, द एबिलिटी टू यूज़ आवर आईज, आवर दीज विजुअल स्किल्स आई हैंड और आई बॉडी, द एबिलिटी टू यूज़ आवर आईज इफेक्टिवली डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ आवर बॉडीज। जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन या आई बॉडी को इसका ये एक एबिलिटी है कि जो हमारी आँख को यूज़ करते हैं, कि जो जो हम जो हमारी आँखें यूज़ करते हैं कि इफेक्टली कि हमारे पैर को कैसे हिलना है और मूवमेंट हमारी हैंड से बॉडी को कैसे करें, जो हमारी आँखें यूज़ करते हैं। नीड्स फॉर सक्सेसफुल, सक्सेसफुल प्लेयर बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या ज़रूरी है, क्लियर विजन, क्लियर होना चाहिए, स्टेबल विजन होना चाहिए, पेरिफेरल अवेयरनेस होना चाहिए, पेरिफेरल विजन ठीक होना चाहिए, इमेज एक्सरसाइज एक्यूरेसी होना चाहिए, इमेज एक्सरसाइज एक्यूरेसी होना चाहिए, क्योंकि अगर ये अगर इतना बड़ा बॉल है, इतना बड़ा बॉल है, ये आपको समझ जाना चाहिए ये इतना, कि ना आपको ज़्यादा छोटा दिखना चाहिए ना ज़्यादा बड़ा दिखना चाहिए, क्योंकि ये फिर आपको इमेज साइज एक्यूरेसी ठीक, अगर छोटा दिख फिर इमेज, क्योंकि जिसको हम इमेज साइज उसको बोलते हैं एनिसोकोनिया, जिसमें इमेज साइज थोड़ा ठीक से नहीं दिखता है उसको, और परसेप्चुअल एक्यूरेसी भी ठीक होना चाहिए, कोई एक्यूरेसी हम जल्दी से आप एक्यूरेट कर जज कर पाओगे ये कितना दूर है, कितना एक्यूरेट जज कर पाओगे कि ये कितना दूर है, या डेप्थ परसेप्शन भी ठीक है जिसको सिटरोप्सिस बोलते हैं। मेजर डिस्टेंस डिमांड विजुअल स्टेबल एंड अंडर एंड डायनेमिक, ये भी करोगे कि डिस्टेंस कितनी दूर है, कि ज्यूरिंग जब बॉल या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में उस टाइम आप अपन ये भी मेजर कर पाओगे कि विजुअल और क्लियरली देखोगे कि ये बॉल कितना दूर है हमारे से, फोकस ठीक होना चाहिए, स्मूथ एंड रैपिड एकोमोडेशन वर्जन, स्मूथ एंड रैपिड एक जल्दी एकोमोडेट होना, फोकस जल्दी जल्दी चेंज होना ऑब्जेक्ट की, जैसे ऑब्जेक्ट के साथ साथ आपका फोकस भी जल्दी चेंज होना चाहिए क्विकली, वो भी ज़रूरी है, और वर्जन सी मिसा आई मोमेंट ठीक होना चाहिए, बाइनोकुलर विजन मेंटेन होना चाहिए। स्पोर्ट्स इंजरी क्या क्या, स्पोर्ट्स इंजरी में क्या, स्पोर्ट्स इंजरी का मतलब है अगर किसी से किसी को चोट लग गया बाल से या किसी चीज़ से, जो किसी स्पोर्ट में चोट लग गया, कौन क्या क्या चांसेस हैं, लॉस ऑफ विजन है, इंटेंसिपल ब्लड इन और पाइप, आँख से ब्लड आएगा, पास और फ्लूड कम फ्रॉम और आए ब्लड, एक पास से फ्लूड आएगा, अगर फ्लूड आएगा तो मेनली एक्वेशमर आएगा या विटर आएगा, कट और आईलेड या आई आई को कट लग जाएगा, या आईलेड को या उस आई के आसपास को काट अराउंड एरिया को काट ले, ऑब्जेक्ट इन और या आपकी आँख को कोई ऑब्जेक्ट लग सकता है, या आपकी आँख को स्वेलिंग भी हो सकता है अगर कोई ऑब्जेक्ट आपकी आँख पे या बाल लग गई आपकी आँख पे। आप कैसे रहोगे स्पोर्ट इंजरी से आप दूर, कैसे आप स्पोर्ट इंजरी से दूर रहोगे, यूजिंग पॉलीकार्बोनेट, पॉलीकार्बोनेट लेंस जूर को यूज़ करो, प्रोटेक्टिव स्पोर्ट्स आईवेयर जो हम आपको प्रोटेक्टिव स्पोर्ट्स आईवेयर स्पोर्ट्स स्पेक्टेकल्स यूज़ करो जो आपके आँख को बचाए, टिंटेड गिलास यूज़ करो क्योंकि जिसमें शेड्स हो, मिसाल बहुत हर किसी स्पोर्ट्स में अलग अलग शेड की टिंटेड गिलास होते हैं। स्पोर्ट्स विजन एड्स यूज़ करोगे, मिसाल अगर किसी को मिसाल चश्मा पहन के था उसमें उसको ठीक नहीं लगता है, मिसाल उसमें अगर बाल लग रहा है कि अगर मुझे बाल आएगा कि ये मुझे फिर टूट जाएगा या ऐसा, फिर या कॉन्टैक्ट लेंस लगाएगा, या मिसाल कौन स्पोर्ट्स आई वेयर फॉर टीन या यंग एडल्ट, सन ग्लासेस लगाएगा या टिंटेड ग्लास, या कोई स्विमिंग कर रहा है उसको स्विमिंग ग्लासेस भी दे सकते हैं। थैंक यू।